हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सैंडविच की रेसिपी। सैंडविच में अगर आप थोड़ी सी चीज़ डालकर सैंडविच बनाते हैं तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है और ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बच्चे इसे बहुत ही मन से खाते हैं। आप इसे चटनी या सॉस जिससे भी आपका इसे मन करे खाए। आज हम सैंडविच बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे, उसमें बटर लगाएंगे। ब्रेड में हम अच्छे से बटर लगाएंगे। बटर लग गया है, अब हम इसमें हरे धनिए की ऊपर से चटनी लगाएंगे। ये सैंडविच खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। यही सेम प्रोसेस हम इस ब्रेड में करेंगे। सबसे पहले हम बटर इसमें लगाएंगे, इसमें हम चटनी लगाएंगे, चारों तरफ फैला देंगे अच्छे से। अब हम इसमें आलू लगाएंगे, आलू भी चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। ऊपर से हम इसमें चीज डालेंगे इस तरह से। अब हम दूसरी ब्रेड लेंगे, इसमें भी हम बटर लगाएंगे, चारों तरफ अच्छी तरीके से हम इसमें भी बटर लगाएंगे, इसमें भी हम चटनी लगाएंगे इस तरह से। इसमें हम नमक डालेंगे, ऊपर से चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, इसके ऊपर हम ये ब्रेड रख देंगे इस तरह से। इसके ऊपर भी हम बटर लगाएंगे इस तरह से। दोनों ब्रेड में हम बटर अच्छे से लगा लेंगे। ऊपर से हम इसमें टमाटर लगाएंगे इस तरीके से। हम टमाटर लगा देंगे। अब हम इसमें धनिया डालेंगे कटा हुआ। अब हम एक ब्रेड और लेंगे और उसमें अच्छे से बटर लगाएंगे इस तरह से। और इसको ऐसे रखते हैं। हवा गर्म हो गया है, अब इसमें हम सैंडविच सेक लेंगे। इधर हमने बटर लगाया था, इधर हम पहले से लेंगे इस तरह से। इसको थोड़ा सा दबा के सेके तभी ये अच्छे तरीके से सिकेगा। अब हम पलट लेते हैं। दूसरे साइड में भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गया। अब दूसरे सैंडविच को हम इसी प्रोसेस से सेक लेंगे। ये इतना अच्छे तरीके से सिक गया है, इसका कलर बहुत ही अच्छा आया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।